आज के इस आयोजन में संस्कृत विद्वत परिषद नो बृहस्पतिर्दधातु प्रचेदस्वा मरुतः प्रश्ने मातरः चलते हुए बोले क्या संचालन होगा धीरे धीरे लंबे समय का हमारे संस्कृत के जितने भी विद्वान हैं आचार्य हैं सभी का बहुत लंबा संघर्ष रहा है कि रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय होना चाहिए। बीच में निर्णय हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन रीवा वंचित रह गया था। तभी से लगातार प्रयास चल रहा था और आज ये सौभाग्य का अवसर आया है कि जब यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर खुल रहा है, शिक्षण सत्र तुरंत शुरू करने का निर्देश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है। यहाँ पर प्रबंधक की नियुक्ति हो गई है, जो उज्जैन के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रभुआ जी, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। अब वो यहाँ पर आकर सारी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे, शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर यूनिवर्सिटी टीचिंग कोर्स जो होता है UTD वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा।